अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट स्वीटी बट आप देख रहे हैं कोटा फूड। व्यूवर्स, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी मैं फूड की बात करता हूँ तो मैं अपने अंदरून शहर को नहीं भूलता। अंदरून शहर को हमेशा मैं इसलिए ओबलाइज करता हूँ कि ये नहीं कि ये अंदरून शहर मेरा है, ये अंदरून शहर आपका भी है। और कहा जाता है कि अंदरून शहर जो है खाने पीने के लिहाज से सबसे फेमस जो है वो अंदरून शहर है। जो वो सुना होगा आपने कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं, और वाकई जिसने लाहौर के खाने नहीं खाए वो वाकई नहीं जमया। तो व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर दही पकौड़ियों वाले के पास। वैसे तो आपको ये छोटी सी शॉप नज़र आएगी, लेकिन ये छोटी सी शॉप नहीं, इनके काम बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले की दुकान है। और अल्लाह का शुक्र, मैं तो अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि इनकी जो ये दुकान है ये माशाल्लाह पहले भी दायम कायम थी, और अल्लाह के फजल से आज भी दायम कायम है, और टेस्ट भी उनका वैसे ही है। हमारे भाई, हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे पास बैठे हुए हैं, आज बड़ा दिल किया इनके साथ इंटरव्यू करने के लिए। और मैं स्पेशल जो है वो कल्बे आबाद भाई के पास आए हैं, और उनसे जानने के लिए कि आखिर इनके पीछे इन पकौड़ियों को क्या राज है कि जो खाता है वो बार बार आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कल्बे आबाद भाई हमारे दोस्त भी हैं, हमारा बचपन आपके साथ गुजरा है, और आप हमारे भाई हैं। आज मैं अपने कोटा फूड के व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो पकौड़ियाँ मोचीगढ़ की सबसे जो मशहूर हैं वो आपकी हैं, और ये नो डाउट ये यहाँ के जितनी भी आवाम मुझे देख रही है, सुन रही है, जान रही है, उनको ये पता है। सर, ये बताइएगा कि डॉक्टर के नाम से ये पकौड़ियाँ आपने क्यों, ये नाम के पीछे क्या राज है? सर, अबू को प्यार से डॉक्टर कहते थे, इस वजह से इसका नाम डिफरेंट दही भल्ले था पहले, फिर डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गई। कि जो भी आपको पता है मोहल्ले में लोग कहते थे जा यार डॉक्टर से पकौड़ी पकड़ ला, पूरी सो नाम पढ़ता पढ़ता फिर वो ऐसा वो फिक्स हो गया कि डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गई। सर, ये बताइएगा, ये तो आगे बड़ों का तरक्की है, आगे वाले साहब ने कितना सर उन्होंने यहाँ काम किया? सर, वो तकरीबन मेरे हाथ से 35 साल 40 साल से ऊपर हो गए हैं। अबू को बैठते 20-22 साल हो गए मुझे बैठते हुए। अब यही मैंने कहा कि इतना अरसा हो गया। सर, ये बताइएगा कि माशाल्लाह और भी लोग बेचते हैं पकौड़ियाँ, लेकिन आपकी पकौड़ियों में ऐसा क्या राज है? दही भी वही पड़ती है, पकौड़ी भी वही है, ये क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ें बीच में ऐड करते हैं? सर, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी पे, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर लाजिम बात है क्वालिटी पे सारा डिपेंड करता है। तो जैसे वाले साहब ने हमें एक चीज़ बताई थी कि यार इसको क्वालिटी को गिराना नहीं आपने, तो आज तक हमने जब से काम शुरू किया और इसकी जो दही की मलाई है उसके अभी तक नहीं हमने कभी उतारी। नहीं तो लोग सबसे पहले जो दही भल्ले वाले होते हैं ना स्पेशली, वो इसकी दही की मलाई उतारते हैं, उसका वो घी वगैरह जैसे भी उसको वो क्या कहते हैं। सर, ये जो भल्ले होते हैं, ये जो भल्ले हैं सर, ये किस चीज़ के बनते हैं? इसमें क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या नहीं करते? इसमें कहा जाता है मिलावट बड़ी होती है बल्लों में, तो इसे ये हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि इसको ये किस तरह असल होते हैं, क्या पहचान होती है इनकी। पकौड़ी में तो चलो हो जाता है, ये बल्लों में बड़ी आजकल वो बड़े केमिकल्स या पता नहीं कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं दो नंबर जो कि बल्ले से ही नहीं आ रहे। सर, शुरू से हमारा करहाना अपना है, पकौड़ी हम शुरू से अपने निकाल रहे हैं और बल्ले भी अपने निकाल रहे हैं, और ये बल्ले होते हैं स्पेशली मांस की दाल के। अब ये लोग जो है ना, यहाँ इसमें चने की दाल या और भी कुछ ऐसी दाल वगैरह, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया, और इसमें बेसन यूज़ होता है, लोग आटा वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि बेसन का रेट का फ़र्क है आटे में के दरमियान में। बल्ले को पकड़ के दिखा सकते हैं, हमारे भी उसको बता सकते हैं, देखें बल्ले का। तो इंशाल्लाह ये माश की दाल है और बहुत सॉफ्ट है, आप हाथ में ऐसे पकड़ेंगे, आप टेस्ट करें इसको और आपको आइडिया होगा कि ये कैसे सॉफ्ट है और बेहतरीन है। और ये इसकी पहचान यही है कि ये सॉफ्ट होगा तो फिर एक नंबर होगा। और नहीं नहीं इसका टेस्ट में समझ आएगी कि टेस्ट में क्वालिटी अच्छी है, ऑयल अच्छा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक नाम बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन ये क्वालिटी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह ऑयल अच्छा है और क्या कहते हैं हर चीज़ बेहतरीन है। तो सर, ये दुकान आपकी अपनी है? जी जी, नहीं रेंट पे है, लेकिन इतने साल से आप इधर ही से इधर ही है। अच्छा सर, ये बताइएगा अगर हमारे कोई शादी ब्याह पर अगर आपको कोई आपको कॉन्टैक्ट देना चाहता है, कोई आपसे आर्डर तैयार करवाना चाहता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए, क्या 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 होगा? सर, इंशाल्लाह जो जैसे ऑर्डर देता है हम उसको वैसे ही प्रोवाइड कर देते हैं। इंशाल्लाह वो जैसे कस्टमर की डिमांड होती है, शादी होगी, ब्याह होगी, मेहंदी वगैरह होगी, फंक्शन हो गए, सालगिरह के फंक्शन हो गए, उनको इंशाल्लाह तैयार करके देते हैं और वो प्रोवाइड कर देते हैं। रमज़ान में आपके पास बाड़ी नहीं आती? व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर रमज़ान में आप इनके पास आएंगे तो बाड़ी नहीं आ सकती। सर, अल्लाह पाक का शुक्र, आगे पीछे भी आपके पास रश होता है, लेकिन रमज़ान में लोग इतनी इतनी दूर से पकौड़ियाँ छोड़ के आपके पास खाने आते हैं, वो तो आपने बता दिया, लेकिन सर रेट के मामले में आपका क्या कंप्रोमाइज़ है? सर, कोशिश यही होती है कि रेट मुनासिब हो, बाजार से कम हो, फिर ही क्वालिटी भी है और कम सर प्राइस भी कम है। भला डाल के आप कितने का एक प्याला देते हैं? सर, इस वक्त हमारा हाफ प्याला 100 का और 150 का बड़ा प्याला, फुल प्याला, उसके साथ भला डाल के पापड़ी, ये भी माश की दाल की बनती है, ये भी स्पेशलिटी है, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है जी, ये पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। ये जो दाल है ना, ये हमारी
ये हमारी स्पेशलिटी है, ये जो माश की दाल की बनी हुई है, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है पापड़ी, और ये यही हमारी समझो पहचान बन गई हुई है इस वक्त। बल्ले भी हैं और ये दाल। आप पुदीने की चटनी भी डालते हैं बीच में? जी जी। तो पुदीने की चटनी में दही का भी वही? सर इसमें पानी की मिलावट नहीं है, सिर्फ दही की चटनी, नमक और वो दही होती है, यानी कि पुदीने की चटनी, नमक और सिर्फ दही। कोई हमारे कोटा फूड्स का आपको ऑर्डर देना चाहें, कोई नंबर आप बता सकते हैं? जी जरूर सर, मेरा नंबर है, शॉप का भी नंबर है 03224567189, इसके ऊपर व्हाट्सअप भी बना हुआ है, तो इंशाल्लाह कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे इस नंबर पर। जी तो व्यूअर्स ये थे हमारे पास कलबे अब्बास भाई, जो जिन्होंने बताया कि ये 50 साल से ऊपर हो गया इस दुकान को, और अल्लाह का शुक्र है आज भी ये अपनी बुनियाद, अपनी जो है वो जड़ें मजबूत की हुई है, क्योंकि इनका इखलाक और इनका वो रेट आजकल इतने महंगाई के दौड़ में 100 रुपये का और 150 रुपये का प्याला भाड़े में नहीं आता, लेकिन ये कलबे अब्बास भाई कहते हैं जी हमारे पास लोगों का प्यार है, लोगों की चाहत है, कोई इतनी इतनी दूर से हमारे पास खाने आते हैं। ये थे हमारे पास कलबे अब्बास भाई, जो कि मोची गेट के अंदर अलमरान हॉस्पिटल की घाटी उतरेंगे, तो आगे ही जो है ये लेफ्ट साइड पर इनकी शॉप मौजूद है, कोई भी भाई इनके साथ पकौड़ियाँ खाने आ सकता है। एड्रेस में हमने आपको और नंबर आपको हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने हॉस्पिटल पर को जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।